प्रीति, ये बताइए कि आप डायरी लिखती हैं ना? यस सर। तो डायरी का आपका क्या फॉर्मेट होता है? कुछ लोग बड़ा डिस्क्रिप्टिव डायरी लिखते हैं, कुछ इमोटिव लिखते हैं, कुछ एनालिटिकल लिखते हैं, कुछ इंट्रोस्पेक्टिव लिखते हैं, आपका क्या स्टाइल है लिखने का? सर मैं डे टू डे एक्टिविटी रिकॉर्ड करती हूँ, कि कुछ उसमें मोटिवेशनल रिकॉर्डिंग भी होती है और कुछ पर्सनल भी होती है सर। नहीं, पर्सनल तो खैर होगा ही, बेसिकली वो फैक्ट्स होते हैं कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया। सर फैक्ट्स होते हैं और कुछ सोशल इश्यूज भी होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पड़ोस में एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ था, तो उन्होंने उसका नामकरण किया और उसके लिए बड़ा सा आयोजन किया। हरियाणा में जहाँ बच्चियों के जन्म पर थोड़ा लोग खुश नहीं होते हैं, माता पिता या परिजन खुश नहीं होते हैं, तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा इवेंट लगा और मैंने इसको रिकॉर्ड किया। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो अपने घरों पर जो नेम प्लेट है वो अपनी बच्चियों के नाम से लगा रही हैं। तो सर ये जो हमारा जो सेक्स रेशो है, स्क्यूड सेक्स रेशो हरियाणा का, तो इसको इम्प्रूव करने में अच्छा है।